गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं ये वाला जो मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा ग्लोई एंड क्लासी सा मेकअप लुक है ये विंटर के लिए। हमारे जो मेकअप होते हैं, कोई बोलते हैं कि हमारे मेकअप जो होते हैं वो मतलब फटे फटे से दिखने लगते हैं एंड केकी सा दिखने लगते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपके मेकअप जो है बहुत ही अच्छा दिखेंगे एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो उसके लिए मैंने अपना जो फेस है उसको वॉश कर लिया है गुड वाइब्स की फेस वॉश से। आपके पास जो वाला फेस वॉश होंगे आप उसी से अपना फेस को वॉश कर लो। फिर उसके बाद ये जो टोनर है इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ अपने कॉटन वाइब्स की मदद से। अगर आप चाहो तो फिंगर टिप्स की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैं अपना कॉटन वाइब्स की मदद से अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। तो कॉटन उसको मैं अच्छे से एब्जॉर्ब होने देती हूँ थोड़ा सा एक मिनट के लिए। सो उसके बाद मैं ले लेती हूँ गुड वाइब्स का ही मेरे पास एलोवेरा सीरम है, उसको मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। तो मेकअप करने से पहले हमारी जो स्किन केयर है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी स्किन में कोई हार्म ना हो और हमारा जो स्किन है वो ख़राब ना हो सके। सो बहुत ग्लोई सा रहे हमारे जो स्किन में ग्लोई बने रहे। सो उसके बाद मैं सीरम यूज़ करने के बाद गुड वाइब्स का मेरे पास एक कोकोनट क्रीम है उसको मैं अपना फेस पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम के हिसाब से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मैं अपने फेस पे एब्जॉर्ब करवा करके अपना जो फेस को है वो मॉइस्चराइज कर लिया है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो अपना जो मेरे जो लिप है उसको ड्राई हो रखे थे तो इसलिए मैंने थोड़ा लिप बाम अप्लाई कर लिए थे ताकि हमारी जो जब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँ तब हमारी जो लिपस्टिक है उसको वो ख़राब ना लगे दिखने में। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये लिप बाम है। इसकी जितने भी प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप लोग वहाँ से जाकर। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा जो सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको आपको 2 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है और इसके बाद इसको अपने जो एक्सेस पानी होता है उसका निचोड़ के रख लेना है एक्सेस जो पानी होता है ताकि हमारे जो एक्सेस पानी निकालने के बाद अपने कोई कॉटन की कपड़ा से उसको चाहे तो वाली कोई सा भी कपड़ा से उसको थोड़ा सा पोंछ लेना है ताकि हमारा जो एक्सेस पानी होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाए एंड ज़्यादा गीला हो जाए तो आपके फेस में ब्लेंडिंग भी अच्छे से आएंगे। सो उसके बाद मैं अपना जो ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर है इसको मैं अप्लाई करूँगी। सो आप लोग देख सकते हो इसकी मैं इंडिविजुअल रिव्यू करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत ही बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर लगता है मुझे। कहीं मैंने बहुत सारा प्राइमर यूज़ किया है तो इतना अच्छा प्राइमर मुझे कोई भी नहीं लगा है जो ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर है। बहुत ही अच्छे से हमारे पोर्स को हाईलाइट करते हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत ही इससे हाइलाइटिंग के वजह से हमारे जो मेकअप है वो भी बहुत ही अच्छा क्लासी एंड ग्लोई सा दिखने लगते हैं। सो मेकअप करने से पहले हाइलाइटर मतलब प्राइमर की बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब ज़रूरत है। अगर आप लोग प्राइमर नहीं यूज़ करते हो तो मेकअप जो है वो थोड़ा सा मतलब केकी सा दिखते हैं। सो इसलिए प्राइमर ज़रूर यूज़ करें चाहे आप कोई भी प्राइमर यूज़ करें। सो ये वाला जो प्राइमर है मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को। ये वाला एक बार प्राइमर अगर आप यूज़ करोगे तो दूसरा कोई भी आपको पसंद नहीं आएंगे। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मेरे जो फेस में प्राइमर अप्लाई हो कर लिया है मैंने। और इसके बाद मेरे जो मैबलिन फिट मी फाउंडेशन है इसी को मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी क्योंकि मैं इसको कुछ दिनों से मैं यही वाला जो फाउंडेशन है वो यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये तो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को लेना है तो इसको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ले सकते हो। इतना मतलब ज़्यादा वो कवरेज तो अच्छे देता है, ये बहुत ही अच्छे से आपके फेस को कवर करते हैं अपने जितने भी फेस में डक होंगे। सो ये बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं अपने फेस की डक मतलब ब्लैकनेस डार्कनेस कोई भी अगर आपके फेस में होंगे तो। सो आप लोग देख सकते हो अगर एक लेयर में नहीं होता है तो आप दूसरे लेयर भी लगा सकते हो। सो अब मैंने थोड़ा सा ही लगाया था दोबारा, ज़्यादा नहीं लगाया था। आप लोग देख सकते हो एक ही बार में मेरा फेस भी जो ग्लो देख रहे हो आप बहुत ही अच्छे से प्राइमर के वजह से आ रहे इतना ग्लो। सो मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले तो मेरा जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो चुका है। सो इसके बाद मैं ले लेती हूँ स्विस ब्यूटी के ही कंसीलर। ओ भाई साहब ये जो कंसीलर है बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही
इसकी बहुत ही रिव्यू सुने हैं मैंने, बहुत सारे यूट्यूबर ने इसकी रिव्यू कर रखे थे, तो मुझे लगा मुझे भी इसको परचेज ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये मुझे भी तो पता चले कि ये वाकई इतना अच्छा है। तो जब मैंने इसको परचेज किया और यूज़ किया, आज ही मैं पहली बार इसको यूज़ करी थी, तो बहुत ही स्मूथ इसकी जो टेक्स्चर है, बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही जल्दी ये हमारे फेस में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से आपकी जो आँखों के नीचे है वो, मतलब मैंने देख सकते हो आप एक दो बारी में ही ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको ब्लेंड करने के टाइम। आप चाहे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, चाहे कंसीलर ब्रश से ब्लेंड करो, सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं। और कंसीलर वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर लगा है मुझे, इससे पहले भी मैंने बहुत सारा कंसीलर लिया है, तो इतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था वो वाला। सो आप लोग देख सकते हो तो मैं इसको ब्लेंड कर रही थी बहुत ही अच्छे से, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं। एंड इसकी रिव्यू बाकी में मतलब तारीफ़ करने लायक है ये प्रोडक्ट। सो आप लोग देख सकते हो, मैं आँखों में भी थोड़ा सा कर लेती हूँ ताकि हमारे जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। सो आप लोग देख सकते हो मैं आप ब्लेंड करने थोड़ा सा नेक पे ब्लेंड कर लेती हूँ। हाँ सो मैं यहाँ सब लोग देख सकते हो मेरे मुंह से वाओ निकल रहे, इतना अच्छा ये कंसीलर है। सो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छे से मेरी जो मेकअप है आज की बहुत ही ग्लोई सा दिखे रहे। आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होता है, तो आपकी जो मेकअप है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ऑफ कैमरा मैंने अपना आई मेकअप जो है वो कर लिए थे, और इसके बाद मैं अपना जो ब्लास है वो स्विस ब्यूटी का वही वाला ब्लास यूज़ कर रही हूँ जो मैं हर वीडियो में करती हूँ। सो माफ़ करना, क्योंकि मैंने एक जो फाइल मतलब पायलट लिया है उसी में ब्लास कंसीलर ने ब्लास और ब्राउन्जर और हाइलाइटर है, तो उसी को मैं आपसे अब तक उसी को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। सो आप लोग देखिए तो सो मैं अपना हाइलाइटर पार्ट को अपना हाइलाइट करूँगी, अभी मैंने ब्लास कर लिया, ब्लास लगा लिया है। सो इसके बाद ये वाला जो वाइट वाला हाइलाइटर है इसको मैं कर रही हूँ हाइलाइटेड, और इसमें गोल्डन वाला भी हाइलाइटर है तो उसको अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैं वाइट वाला ही करती हूँ हाइलाइटिंग हमेशा ही। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये पायलट है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, आप लोग अगर चाहिए तो एक ही में सब काम हो जाएगा आप लोगों का। सो अगर आप लोगों को ये वाला चाहिए तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारे जो फेस की हाइलाइटिंग एरियाज को हाइलाइटिंग कर दिया है ये वाला जो हाइलाइटर। सो इसके बाद मैं ये पर्पल का जो मेरे पास मिमी लिपस्टिक है पर्पल की तरफ से, मुझे ये गिफ्ट में मिला था जब मैंने शॉपिंग किए थे कुछ सामान के, तो उसमें बहुत सारा सामान थे तो इस एक मुझे गिफ्ट में मिल गया था वो पर्पल का ये छोटा सा लिपस्टिक, तो बहुत ही अच्छा इसकी टेक्सचर है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसको आप ज़रूर परचेस करना, क्योंकि बहुत ही हॉट ये रेड लिपस्टिक है। इसकी जो कलर है आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से निखार के आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसकी कलर। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये जो हमारे मैट लुक देते हैं, और वाटरप्रूफ भी है ये, कहीं भी नहीं आपके पानी से धोगे ना तो आपको आपका जो लिपस्टिक है वो कहीं भी नहीं जाएंगे। सो आप लोग देख सकते हो मैंने लिपस्टिक जो है वो सो मैंने जो लिपस्टिक है वो अप्लाई कर लिया है, और इसके साथ एक बिंदी और इयररिंग भी मैंने ले लिया है, इसको मैंने नॉर्मल मार्केट से लिया था, और मेरा जो ये आउटफिट है इसको भी मैं नॉर्मल मार्केट से लिया था, तो आप लोग मैं इसकी लिंक नहीं दे पाऊँगी सो सॉरी उसके लिए। तो आप लोग देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो एंड मेरी वीडियो को पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलना, ताकि अगले जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो आप लोगों के पास पहुँच जाए एंड आप लोग उसको देख सको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।